सरकारी कंपनियों यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भारी भरकम विनिवेश के प्लान को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार घर के गहने को बेचने का काम कर रही है। विपक्ष के आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पहली बार टैक्स पेयर्स के पैसों को संभाल कर खर्च करने जा रही है। उनके पैसे को उचित जगह खर्च करने के लिए पहली बार ये सरकार विनिवेश पर सही रणनीति लेकर आई है। सीतारमण ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम घर के गहने बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है। घर की कीमती चीज को मजबूत किया जाता है। अभी इनकी संख्या काफी ज्यादा है और वे कमजोर हालात में हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी कंपनियों की संख्या घटनी चाहिए और उनका आकार बढ़ना चाहिए। बात करते हैं कि सेलिंग फैमिली सिल्वर, नॉट एट ऑल। फैमिली सिल्वर शुड बी स्ट्रेंथेंड, इट शुड बी योर ताकत, इट शुडंट बी वेयर बिकॉज यू हैव स्प्रेड इट सो थिनली देर आर मेनी ऑफ देम हु आर जस्ट नॉट एबल टू सर्वाइव and a few who can perform doesn't get the due attention. Prime karna, usko prime karna hi hamare maksad hai is policy ke dauran. Prime the assets that you have in public sector enterprises. You need them to scale up, you need them to be in maximum potential so that they meet the aspirations of growing India. वित्त मंत्री ने डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी सरकार की स्ट्रेटेजी स्पष्ट की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पहली बार विनिवेश को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाई है ताकि जनता के टैक्स के पैसों का अच्छा इस्तेमाल हो। सरकार चाहती है कि कुछ खास सेक्टर्स में ही कुछ गिनी चुनी सरकारी कंपनियां हो और वे अच्छा परफॉर्म करें। हर सरकार के समय डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या हम नया कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नया कुछ बोल रहे हैं, इसीलिए कि एक एक यूनिट का निकाल करके इसको डिसइन्वेस्ट करें, इसको ना करें, इसको करें, ऐसे करके बहुत समय चर्चा विमर्श और उसके बाद होगा नहीं होगा ये सब। हम इस बजट के द्वारा एक पॉलिसी के तहत ये स्पष्ट कर रहे हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर को भी, हमारे भारतीय बिजनेसेस को भी एक स्पष्टता हो कि सरकार रहेगी पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा, जरूर रहेगी। वी आर नॉट सेइंग एवरीथिंग इज क्लोज्ड। स्ट्रैटेजिक एरियाज में रहेगी, वो भी बेयर मिनिमम रहेगी। बेयर मिनिमम इसीलिए कि स्ट्रैटेजिकली जिस एरिया में सरकार के रहना बिल्कुल आवश्यक है उसमें रहेगी। 1 फरवरी को 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि अगले कारोबारी साल में आईडीबीआई बैंक के साथ दो सरकारी बैंकों का रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा। एक सरकारी साधारण बीमा कंपनी का भी निजीकरण किया जाएगा। रणनीतिक विनिवेश का सीधा मतलब है निजीकरण। बैंकिंग सेक्टर के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लिए देश को एसबीआई के आकार के कम से कम 20 बैंकों की जरूरत है। बजट में उन्होंने कहा कि रणनीतिक सेक्टर में सिर्फ सरकार ही नहीं रहेगी बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। सरकार उन्हीं रणनीतिक सेक्टर में रहेगी जहां बहुत जरूरी होगा भारत के एस्पिरेशंस के लिए और हमारे डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। हमें शायद 20 एसबीआई जैसे उस साइज के बैंक्स चाहिए और फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट मोर एंड मोर strength for the existing public sector undertakings, scale them up and make sure that they professionally run themselves. बजट से पहले कोविड सेस को लेकर तमाम बातें हो रही थी। बजट 2021 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का कभी कोविड-19 टैक्स या सेस लगाने का विचार नहीं रहा है। पता नहीं इसे लेकर मीडिया में चर्चा कैसे शुरू हुई। एक भी दिन कोविड सेस या कुछ और टैक्स के ऊपर कुछ सोचो जिससे एक और पैसा ज्यादा आएगा, ये नहीं था सोच।
माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट थे, नहीं जनता के ऊपर एक पैसा ज्यादा का बोझ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट डे से हम क्लियर थे कि प्लान ऐसे करना चाहिए जिससे टैक्स द्वारा एडिशनल रेवेन्यू ढूंढना नहीं है। इसीलिए मैं वो स्पष्ट करना चाहते हूं कि मीडिया में पता नहीं कहां से वो स्पेकुलेशन शुरू हुआ कि कोविड से साने वाले हैं, नहीं कभी सोच में भी नहीं था। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी कोई चर्चा नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये बात कहां से आ रही है, कम से कम ये मेरे सामने तो नहीं है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को पेशेवर बनाने की जरूरत है और सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है।